हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे ला ओपाला आरजी लिमिटेड के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ला ओपाला। तो पहले इसका फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस शेयर में आगे क्या करना है। तो देखिए, आज के दिन में ये शेयर आपका क्लोज हुआ है 421.05 पे, हाई गया था 426.80 पे, लो गया था 395.25 पे। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल है आपका 4673.66 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है इस शेयर का 4670.36 करोड़। इसके ऊपर डेप्थ है अभी 1.05 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो बहुत ही कम, मतलब जीरो आ रहा है। और किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो अगर जीरो होता है तो बहुत अच्छी बात होता है फंडामेंटली। उसके ऊपर कंपनी के पास अभी आपका कैश भी है 4.35 करोड़, मतलब कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 1.05 करोड़ का डेप्थ इसको चुका सकता है, उतना सफिशियंट कैश कंपनी के पास है। अर्निंग पास शेयर है आपका ₹7.34, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 8.19% एंड आरओसी आपका है 10.56%। और इस कंपनी में आपका प्रमोटर्स का होल्डिंग है देखिए 65.64%। ओके, किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से बहुत ही ऊपर है। उसके ऊपर देखिए, ये जो आपका 65.64% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। DII के पास है आपका देखिए 15.08%, पब्लिक के पास है आपका 13.13% एंड FII के पास है आपका 6.14%। मतलब ओवरऑल अगर प्रमोटर्स होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट अभी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, सितंबर का महीना में आपका जो नेट सेल हुआ है वो आपका हुआ है 92.29 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था ओनली 32.17 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट इस क्वार्टर में सेल्स नेट सेल हम लोगों को अच्छा दिख रहा है। उसके पहले था आपका 80.37 करोड़, उसके पहले था 78.39 करोड़ एंड उससे पहले था 42.42 करोड़। मतलब ये जो 5 क्वार्टर में इससे सबसे ज्यादा नेट सेल्स हुआ है आपका इसी क्वार्टर में। अभी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है आपका 30.52 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था आपका 9.52 करोड़, उसके पहले था 27.40 करोड़, उसके पहले था आपका 31.25 करोड़ और उसके पहले था आपका यहाँ पे देखिए 12.49 करोड़। मतलब 5 क्वार्टर के अंदर ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी क्वार्टर में हुआ है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए, इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 27.35 करोड़ आपका, उसके पिछले क्वार्टर में था 8.86 करोड़, उसके पिछले क्वार्टर में मतलब मार्च 2021 में था 19.91 करोड़, उसके पहले था आपका 25.32 करोड़ और उसके पहले था आपका 7.39 करोड़। मतलब इस 5 क्वार्टर में भी आपका जो नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है वो आपका इसी क्वार्टर में सबसे अच्छा हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर का, सितंबर महीने का जो क्वार्टर है उसका जो आपका रिजल्ट निकला है वो बहुत ही बेहतरीन निकला है कंपेयर टू लास्ट 4 क्वार्टर। ओके, तो फंडामेंटल डेटा भी इसका अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट जो निकला है करंट प्रेजेंटली वो भी बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एनालिसिस किया था 4 दिसंबर को, उस टाइम पे इस शेयर का प्राइस चला था लगभग 367 और मैंने बोला था इस शेयर बहुत जल्दी 400 का भी टारगेट अचीव कर लेगा। तो देखिए, आज के डेट में ये शेयर ऑलरेडी इसका जो 400 का टारगेट था वो अचीव कर चुका है। तो अभी आगे इस शेयर में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने क्या किया, हर बार की तरह पहले ही बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए
आपका अप्रैल का महीने में ए शेयर चल रहा था ओनली 209-210 के करीब और अभी चल रहा है 420, मतलब अप्रैल से अभी एक साल खत्म भी नहीं हुआ, 8 महीने के अंदर ए शेयर ऑलमोस्ट आपका डबल रिटर्न दे चुका है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इसके इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। देखिए आज के डेट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है डेली चार्ट में और उसी कैंडल में आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है। और आज के डेट में ऐसे जिस प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर RSI की बात करूं तो RSI आपका 60 का लेवल को क्रॉस करके ऊपर ही चला गया, लेकिन MACD थोड़ा सा नेगेटिव है, जस्ट आपका 0.2 आपका नीचे गया है। लेकिन MACD का जो व्हाइट लाइन है देखिए आज के डेट में पूरी तरीके से मूव चुका है, मतलब MACD भी बहुत जल्दी आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर डेली चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। ओके तो देखिए अभी स्क्रीन पे मैंने इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया बिना इंडिकेटर लगा हुआ। तो देखिए ए शेयर अगर यहां से देखेंगे लगभग आपका 2019 में चल रहा था 138-140 करीब, उसके बाद अगर 20 में आएंगे तो 20 का मई महीने में चल रहा था 155 और अभी चल रहा है लगभग 420 और 450 का जो हाई लगभग उसका हाई लगा चुका था। मतलब अगर 2020 से भी देखेंगे तो लगभग आपका 3 गुना रिटर्न ए शेयर दे चुका है और यहाँ से क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड भी दिख रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिये इस जगह पे ये आपका था 2021 अगस्त का महीना, यहाँ पे आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था और तब से ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। पिछले महीने थोड़ा बहुत हम लोगों को गिरावट देखने को मिला था लेकिन ये शेयर ने क्या किया जी सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है उसके नजदीक भी आ नहीं सका तो उसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर से यहाँ पे इस महीने हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। MACD की बात करें तो वीकली चार्ट में लेकिन MACD बहुत ही बुलिश है और लगातार यहाँ पे 4-5 वीक से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और MACD भी आपका 0.2 से ऊपर है। मतलब ओवरऑल अगर वीकली चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली बुलिश साइन दिख रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके तो अभी देखिए मैंने क्या किया स्क्रीन पे अभी इस शेयर का आपका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे पिछले साल मतलब 2020 सितंबर का महीना में यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद से कुछ दिनों तक ए शेयर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद इस जगह पे ए आपका था मई का महीना, यहाँ पे हम लोगों को एक तेजी वाला एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा और उसके बाद से ए शेयर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक पर्पल कलर का लाइन ड्रॉ किया जो इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है, इस महीने में ये जो रेसिस्टेंट लेवल था इसको भी तोड़ के ऊपर ही अभी भाग रहा है और इस महीने भी यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और आज के डेट में ए शेयर 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। अगर RSI की बात करें तो देखिए RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 और MACD की बात करें तो MACD भी 0.2 से ऊपर है। मतलब ओवरऑल मंथली चार्ट में हम लोगों को यार बहुत ही बुलिश सिग्नल दिख गया, तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 421 के करीब है, लगभग इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए और आप लोगों का नजरिया मिनिमम 30-40 दिन का भी है तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 30-40 दिन के अंदर ये शेयर आपका 470 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।